Assalamualaikum students, आज हम chapter number 3 differentiation of trigonometric and inverse trigonometric function इसका part 2 करने जा रहे हैं. formula list ये हमने part 1 में discuss की थी. question number 5 है, find the derivative of sine inverse x. x over a, इसका हमने derivative लेना है. यहाँ पर sine inverse का derivative का formula है. साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है, यहाँ पर अगर एक्स है तो ये इक्वल टू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर लेंगे यहाँ पर. अब यहाँ पे देखें एक्स की बजाय यहाँ पर वैल्यू क्या है, एक्स ओवर ए. तो हमने क्या करना है, एक्स की बजाय अब क्या लिखना है, एक्स ओवर ए का स्क्वायर लिखना है. यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी फंक्शन होगा उसी का स्क्वायर लेना है. और फिर हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव भी लेंगे. यहाँ पर डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, इसलिए हम वहां नहीं लेते. लेकिन यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स ओवर ए है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो ये एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव ये आपको पता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और ये 1 ओवर ए हो जाएगा. अब यहाँ पे फिर हम इस पे कोशेंट रूल नहीं लगाएंगे, उसकी वजह यह है कि ऊपर फंक्शन है नीचे कांस्टेंट है. अगर ऊपर भी फंक्शन हो नीचे भी फंक्शन हो तो फिर हम कोशेंट रूल यानी यू ओवर वी वाला फार्मूला जो है वो लगाते हैं. यहाँ पर वो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे जो कि क्या आएगा, 1. अब ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो गया, इसका हम लेंगे एलसीएम. तो एलसीएम इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर. ए स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो ये डिवाइड बाय ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, ए. तो ये ए और ये ए कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 6, हमने डिफरेंशिएट करना है किसको, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को. इनको दोनों को अलग-अलग कर लिया, इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. तो साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका फार्मूला लगा दिए. और कॉस इनवर्स का ये फार्मूला है माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका फार्मूला लगा दिए. तो प्लस माइनस ये माइनस होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सेम वैल्यू है और ये माइनस हो रही है तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0. क्वेश्चन नंबर 7, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है. अब ये सीकेंट का फॉर्मूला, अब यहां पर देखें यहां पर एक्स है तो आपने यहां पर एक्स लगाना है और एक्स का स्क्वायर. यहां पर जो भी वैल्यू होगी तो वही वैल्यू इन दोनों जगहों पे आएगी. यहाँ पे देखें एक्स की बजाय यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एक्स. तो यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स आएगा और यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स आएगा. और फिर आपने इसका डेरिवेटिव भी लेना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो उसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा. तो ये स्क्वायर रूट एक्स वैसे ही आएगा, इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये एक्स माइनस 1 आ जाएगा. इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/2. अब ये आपको पता है, ये हमने चैप्टर 2 में सीखा था कि पावर रूल लगाएंगे, पावर को इधर जो कोएफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करना है. 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें क्या आएगा, ये 1/2 आ जाएगा. और पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 में से माइनस 1 जब हम करेंगे तो ये आंसर आएगा माइनस 1/2. ये हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं या एलसीएम लेके भी कर सकते हैं. तो ये 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया और इस x की पावर माइनस 1/2 को जब नीचे लेके आएंगे तो x की पावर प्लस 1/2 हो जाएगी, जिसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब ये वाला स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर रूट जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. ये इस स्क्वायर रूट x को और इस स्क्वायर रूट x को आपने मल्टीप्लाई करना है. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा. तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स
1 माइनस x स्क्वायर, तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमने पीछे फार्मूला लिस्ट में देखा था, ये इसका फार्मूला क्या था, ये था माइनस 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है 1 माइनस x स्क्वायर, तो हमने x की जगह पर क्या लगाना है 1 माइनस 2 x स्क्वायर, जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर इसका स्क्वायर बनेगा, और फिर इसी का आपने डेरिवेटिव भी लेना है। अब इसका स्क्वायर ओपन किया है तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव, 1 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 2 को इस, अब इसका डेरिवेटिव लेना था तो पावर रूल लगाएंगे, पावर को इससे मल्टीप्लाई करना है, पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4x आ जाएगा। अब ये माइनस 1 और माइनस 4x जब मल्टीप्लाई होंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 4x, और इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करने से सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे देखें 1 के साथ प्लस था तो अब ये 1 के साथ क्या हो गया माइनस, और ये प्लस था तो ये भी यहाँ पे देखें क्या हो गया माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे रह गया माइनस 4x4 और 4x स्क्वायर, तो हम यहाँ से 4x स्क्वायर, इन दोनों में से 4x स्क्वायर क्या कर सकते हैं 4x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जब 4x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह गया 1, और x 4 में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये माइनस x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे 4x स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या रह गया 1, और 4x स्क्वायर को स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x, 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और x स्क्वायर का, x स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये x आ जाएगा, ये कैंसिल होगा x इस x से कैंसिल होगा और ये 4 इस 2 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स रेज टू पावर 3, डेरिवेटिव हमने लेना था, डेरिवेटिव का रूल वही है, अगर कोई पावर हो तो पहले आपने पावर रूल लगाना है, तो पावर को इधर मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 3 आएगा, और इस पावर में से एक आपने माइनस करना है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये एज इट इज लिखी रहेगी, इसमें हमने कोई चेंज नहीं लेके आना, सिर्फ पावर रूल लगाए और फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है पावर के बगैर, आप 3 को छोड़ देंगे और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये सेकेंड इनवर्स का फार्मूला है, ये फार्मूला लिस्ट में लिखा हुआ था, सेकेंड इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 ओवर एक्स और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे ये फार्मूला आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया और नीचे ये एज इट इज लिखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स 1 ओवर एक्स, यहाँ हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, अब ये फार्मूला था टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखें यहाँ पर x है तो यहाँ पे x का हमने क्या किया है स्क्वायर लिया, तो ये इसका जो डेरिवेटिव आएगा टेन इनवर्स x का तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की बजाय क्या आ गया 1 ओवर x आ रहा है, तो फार्मूला तो वही रहेगा लेकिन हमने क्या करना है एक्स की बजाय क्या लिखना है 1 ओवर एक्स, तो ये 1 ओवर एक्स का स्क्वायर आएगा और फिर हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव भी लेना है, अगर तो एक्स हो तो फिर डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, अगर एक्स के अलावा कोई सी भी वैल्यू हो तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इस एक्स को ऊपर ले जाए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, अगर हम डिनोमिनेटर से उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे देखें पावर इसकी 1 थी तो जब हम ऊपर लेके गए तो पावर माइनस 1 होगी। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं रूल फिर वही है, पावर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 ही आ जाएगा, और इस माइनस 1 में से एक और माइनस 1 करेंगे तो ये आंसर आएगा माइनस 2, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका लेंगे एलसीएम,
इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा और ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब इस माइनस वन और एक्स की पावर माइनस टू है, तो अगर हम इसे नीचे ले आए तो ये माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस वन इस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस और कॉट एक्स। कॉस कॉट एक्स हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये फार्मूला कॉस का क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, अब एक्स की बजाय क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉट एक्स। आपने एक्स की बजाय वही वैल्यू लिखनी है, अगर यहाँ पे एक्स होता तो फिर हम एक्स लिखते इस फार्मूले के मुताबिक, और यहाँ एक्स की बजाय क्या आ रहा है, कॉट एक्स, तो माइनस साइन कॉट एक्स। तो फिर इस एंगल का हमने डेरिवेटिव फिर लेना है कॉट एक्स का, जो भी वैल्यू यहाँ लिखी होगी वो उसका डेरिवेटिव हम अगेन लेते हैं, ये हम पीछे तमाम क्वेश्चंस में कर चुके। अब ये कॉट एक्स का डेरिवेटिव, फिर इसका फार्मूला है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर ये फार्मूला गलत लिखा गया, यहाँ माइनस आना था, तो ये माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा साइन कॉट एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ये फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे माइनस भी आएगा। जी डियर, आज का इस लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करेंगे, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और कोशिश करें इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।